नकल के लिए अकल और होड़ के लिए सिर पर मोड़ चाहिए। लेकिन यहां तो मामला ही बिल्कुल अलग है। अकल मदरसे की दीवार पर हाफिज के चंदे के पोस्टर की तरह चिपक गई है और मोड़ की तो बात ही नहीं। जो टोपी इन्होंने पहनी उसे यह गुलदस्ते के रूप में सऊदी अरब, कतर, चीन और यूए के सामने पेश कर रहे हैं। यानी यह पाकिस्तान है जिसने चंद्रयान से प्रेरित होकर नहीं बल्कि होड़ करने के चक्कर में बोल दिया है कि वह भी 2022 में एक पाकिस्तानी को अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन लगे हाथ इस फंटर मुल्क के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी बताया कि यह मिशन चीन की दया कृपा पर किया जाएगा। कमाल की बात यह है कि फवाद खान ने यह कहकर पाकिस्तानियों के तहमत में झंझनाहट मचा दी है कि इसके लिए 50 लोगों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सूची के नामों को घटाकर 25 किया जाएगा। फिर उसमें से 10 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अंत में एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भीख मांगने भेज दिया जाएगा, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम मानेगा। पर सवाल यह भी है कि पाकिस्तान अंतरिक्ष में कौन सी अठन्नी ढूंढने जाएगा। इसके अपने सारे सैटेलाइट आज तक चीन से ही प्रक्षेपित किए जाते रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री भी चीन की बदौलत ही बनने की चाह है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1961 में शुरू हुआ था, जिसे पाकिस्तान में सुपारको नामक एजेंसी चला रही है। लेकिन इसका बजट आज तक 700 करोड़ से ऊपर कभी नहीं गया। इसमें से आधे से ज्यादा पैसा सुपारको के रखरखाव और तनख्वाह पर चला जाता है। मतलब सुपारको अपने बलबूते एक उपग्रह भी अंतरिक्ष में नहीं भेज पाई, जबकि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ, यानी पाकिस्तान से एक साल बाद। लेकिन भारत की उद्यमशीलता और अपनी काबिलियत के बल पर एक बड़ा मुकाम इसरो के माध्यम से हासिल किया है। अब तक इसरो 100 से ऊपर अंतरिक्ष मिशन, 72 मोचन मिशन, 9 विद्यार्थी उपग्रह, 2 पुनः प्रवेश मिशन और 32 देशों के 269 विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। जबकि नकलची और फिसड्डी मुल्क अभी तक हाफिज सईद और मसूद अजहर की दाढ़ी के बाल ही गिन रहा है। बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की सुपारको की बागडोर भी पाक आर्मी के कंट्रोल में है। यानी जहां मैथमेटिक्स पर माथम पच्ची होनी चाहिए, वहां बंदूक की गोलियां गिनी जाती है। दुनिया में पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी को कोई नहीं जानता है। खुद पाकिस्तान के मदरसा छाप लोगों को नहीं पता है कि उनके यहां भी इसरो की तरह कोई संस्थान है। पर इन लोगों को एक बात जरूर पता है कि पाकिस्तान की आबादी इन्हें कैसे बढ़ानी है। उसमें यह अल्लाह के कर्म से भरपूर उन्नति कर रहे हैं। वैसे यह भी एक कार्यक्रम ही है। इसे पाकिस्तान में अनवरत चलते रहना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक कि खुद अल्लाह ना पूछे कि पाकिस्तान बता तेरी रजा क्या है। अंतरिक्ष की यात्रा की तैयारी करने वाला पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 21,70,00,000 है और जनसंख्या वृद्धि दर 2.4% सालाना है। बड़ी बात यह है कि 1950 में पाकिस्तान की जनसंख्या 3,30,00,000 थी और उस वक्त दुनिया में इसका 14वां स्थान था। पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक में 34वें स्थान पर है। इनकी उद्यमशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हर परिवार में औसतन 4 बच्चे हैं। अगर इस मदरसा छाप मुल्क ने इसी उद्यमशीलता को बरकरार रखा तो 2050 तक इसका बच्चा उत्पादन बढ़कर 33 करोड़ हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश में 42% के लगभग लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने को विवश हैं। लेकिन बावजूद इसके यह एक अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना तहमत लहराने की होड़ कर रहा है। पर यह पाकिस्तान है, मतलब भारत की नस्ल और होड़ जरूर करेगा, चाहे पूरे पाकिस्तान की नाड़ों की रस्सी बनाकर अंतरिक्ष में लटकाना पड़े। इसी चक्कर में आज आधे से ज्यादा पाकिस्तान दुनिया के सूदखोर देशों के पास गिर भी पड़ा है। जनता गरीबी में फटे हाल दुहाई कर रही है और ये ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे भूखी जनता का पेट नहीं भरता है, बल्कि उनकी आंतों को और सुखाया जा रहा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास इतना बजट नहीं है कि वह अपने प्रधानमंत्री का निजी विमान अमेरिका तक ले जा सके, परंतु वह अंतरिक्ष में यात्रा के लिए पैसा उड़ा रहा है। शायद पाकिस्तानी बुद्धिजीवी जरूर यह सवाल उठा रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री बनने से कौन सा जोश पैदा हो जाएगा। सारा जोश तो इन्होंने पाकिस्तान की आबादी बढ़ाने में व्यर्थ कर डाला। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वह तेजी से बढ़ती गरीबों की दर खत्म कर रही है। हालत यह है कि
पाकिस्तान की दुर्गति का कारण ही भारत विरोध है। दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे, पर आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले पासंग भर भी नहीं है। भारत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा, जबकि यह मुल्क भारत के दृष्टिकोण को अपने मदरसों में उत्पन्न दाढ़ी वालों से अस्थिर करने की कुचेष्टा करता रहा। इसी कारण इसका आज बंटाधार है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का नेतृत्व आज भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं ला रहा है, जिसका साफ संकेत है कि यह इसके बुरे दिनों की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसका बुरा अंत नजदीक है, जो भारत के हाथों नहीं होकर भारत विरोध और उसकी होड़ के चक्कर में हो रहा है। मतलब जिसे ये मदीना की रियासत कहकर ढिंडोरा पीटते हैं, वह कमीनों की रियासत है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।